हेलो फ्रेंड्स मैं रिटा के क्रिएशंस पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज मैं आपके लिए ये खूबसूरत से सॉक्स लेकर आई हूँ ये सॉक्स फाइव टू तो सिक्स फुट साइज में इजीली आ जाएंगे और ये बनाने बहुत ही आसान है और ये बनकर देखिए बहुत ही खूबसूरत लगते हैं ये हमारे अंगूठे वाले सॉक्स हैं हमने दोनों पैरों के सॉक्स एक जैसे ही बनाने हैं ये शूज़ के लिए हमने इक्यावन फंदे लिए हैं फिफ्टी वन लिए हैं और फंदे डाल के हमने बॉर्डर का पार्ट बनाना है तो वो कैसे बनाना है हमने पहला फंदा उतार लेना है धागा आगे करेंगे एक फंदा उल्टा धागा पीछे करेंगे एक फंदा सीधा फिर एक फंदा उल्टा एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा ऐसे अब हम ये सारी सलाई कंप्लीट करेंगे अब हम ये रोंग साइड आ गए उल्टी साइड जो फंदे जैसे जैसे दिखाई दे रहे हैं हमने वैसे वैसे बनाने हैं पहला फंदा हमने उतार लेना है धागा पीछे करेंगे एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा फिर एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा एक फंदा, उल्टा, एक फंदा सीधा ऐसे अब हम ये सारी सलाई कंप्लीट करेंगे अब हम सीधी साइड से भी ऐसे ही फंदे बुनाई करेंगे जो फंदे जैसे दिखाई दे रहे हैं वैसे बुनाएंगे और ये बॉर्डर का पार्ट हम कंप्लीट करेंगे अब ये हमारे बॉर्डर का पार्ट कंप्लीट हो गया है हमने तकरीबन ये बॉर्डर देखिए ये डेढ़ इंच का हमने बॉर्डर बनाया है अब हम शू का भीच का भाग बनाएंगे मिडल पार्ट बनाएंगे तो वो कैसे बनाना है ये हमारी सीधी साइड है सीधी साइड से हमने पहला फंदा उतार लेना है और ये सारी सिलाई अब हम सीधी बुनाई करेंगे अब हम ये उल्टी साइड आ गए रॉन्ग साइड तो रॉन्ग साइड से हमने पहला फंदा उतार लेना है और ये सारी सलाई अब हम उल्टी बुनाई करेंगे अब हम ये सीधी साइड आ गए अब हम दूसरे रंग का वूल अटैच करेंगे तो ये टोटल हमारे इक्यावन फंदे हैं फिफ्टी वन स्टिचेज हैं इनको हम तीन भागों में बांटेंगे चौबीस चौबीस फंदे दोनों साइड रखेंगे और बीच में हमारे तीन फंदे आएंगे तो अब हम ये दूसरे रंग का वूल अटैच कर रहे हैं एक दो तीन चार पच छे सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस 20, 21, 22, 23 और चौबीस ये चौबीस फंदे हमने सीधे बुनाई कर लिए अब हम एक फंदा बिना बुने उतारेंगे अब ये बीच का जो हमारा फंदा है इसको हमने फंदे में से नहीं बुनाई करना इसको हमने फंदे में से नहीं बुनाई करना ये फंदे के नीचे से यहां से हम इसको बुनाई करेंगे तो ये ध्यान से देखिए हमने यहां से सलाई ली एक फंदा बनाया अब हमने इसको निकालना नहीं है धागे को ऐसे सलाई पे घुमाना ये दो फंदे बन गए फिर हमने बीच में से बुनाई करना है तीन फिर से धागे को सलाई पे घुमाया चार पांच फिर से धागी को सिलाई पे घुमाया छ और सात हमने यहाँ पर सात फंदे बना लिए और ये हमारा फ्लावर बन गया अब इस फंदे को हम निकाल देंगे इसके साथ वाला फंदा हमने बिना बुने उतार लिया और बाकी सारी सलाई अब हम सीधी बुनाई कर देंगे अब हम ये उल्टी साइड आ गए रॉन्ग साइड तो रॉन्ग साइड से हमने देखे जहाँ तक ये जहाँ पर हमने ये फंदा उतारा था यहाँ तक हम ये सारे फंदे उल्टे बुनाई करेंगे तो पहला फंदा हमने उतार लिया और ये सारे फंदे अब हम उल्टे बुनाई करेंगे ये देखिए अब ये वाला फंदा हम बिना बुने उतारेंगे जो पहले भी हमने बिना बुने उतारा था अब धागे को पीछे की तरफ करेंगे और ये सात फंदे हम सीधे बुनाई करेंगे एक दो तीन चार पांच छे और सात ये सात फंदे हमने सीधे बुनाई किए धागे को आगे की तरफ अपनी तरफ करके एक फंदा बिना बुने उतारेंगे और ये बाकी बचे फंदे हम सारे उल्टे बुनाई कर देंगे अब हम ये सीधी साइड आगे सीधी साइड से अब हम पहले वाले रंग से बुनाई करेंगे तो हमने ये सारे फंदे अब सीधे बुनाई करेंगे हमने जो बीच में बिना बुने वाले फंदे थे वो भी अब हम सीधे ही बुनाई करेंगे अब हम ये रोंग साइड आ गए उल्टी साइड तो उल्टी साइड से हमने पहला फंदा उतार लेना है और ये सारी सलाई उल्टी बुनाई करनी है हम फिर सीधी साइड आ गए सीधी साइड से अब फिर से हम दूसरे रंग से बुनाई करेंगे तो अब हम सत्ताईस फंदे सीधे बुनाई करेंगे देखिए यहाँ पर ये हो गया, 26 और पच्चीसवा 27 फंदे हमने बुनाई कर लिए एक फंदा हम बिना बुने उतारेंगे अब ये ये इसका सेंटर आ गया तो हम ये बीच में ये वाला फंदे को हम फंदे में से नहीं बुनाई करेंगे फंदे के ये देखिए यहाँ नीचे से बुनाई करेंगे तो अब हम यहाँ पर एक धागे को सलाई पे घुमाया दो फिर तीन धागे को सलाई पे घुमाया चार पांच धागे को सलाई पे घुमाया छ और सात हमने ये सात फंदे एक फंदे में से बना लिए अब इस फंदे को हम निकाल देंगे इसके साथ वाला फंदा हम बिना बुने उतारेंगे बाकी बचे हम सारे फंदे सीधे बुनाई कर देंगे अब हम ये उल्टी साइड आ गए देखिए यहाँ तक ये यहाँ तक हम सारे फंदे उल्टे बुनाई करेंगे तो पहला फंदा हमने उतार लिया अब ये फंदे हम उल्टे बुनाई करेंगे ये देखिए ये बिना बुने वाला फंदा हम बिना बुने उतारेंगे धागे को पीछे की तरफ करके सात फंदे हम सीधे बुनाई करेंगे धागे को अपनी तरफ करके एक फंदा बिना बुने उतारेंगे बाकी सारी सलाई हम उल्टी बुनाई कर देंगे और फिर हम सीधी साइड आगे हम फिर से पहले वाले रंग से बुनाई करेंगे तो अब हम ये सारी सलाई सीधी बुनाई करेंगे सारे फंदों को अब हम सीधा ही बुनाई करेंगे अब हम ये उल्टी साइड आ गए रॉन्ग साइड तो रॉन्ग साइड की हमने सारी सलाई उल्टी बुनाई करनी है फिर हम सीधी साइड आ गए अब हम दूसरे रंग से अब तीस फंदे बुनाई करेंगे हमने तीन तीन फंदे बढ़ाते जाना है ये देखिए हमने दो फ्लावर बना लिए अब हम ये चार फ्लावर और बनाएंगे और दो दो सलाइया हम ये दोनों रंगों से बनाते जाएंगे दो सलाइया हम डिजाइन वाली बनाएंगे दो सलाइया हम सिंपल सीधी उल्टी बुनाई करेंगे अब मैं आपको इतना ये कंप्लीट करके बताती हूँ अब ये हमारे शू का मिडिल पार्ट कंप्लीट हो गया है ऐसे करके हमने देखिए एक दो तीन चार पाँच और छ ये छे फ्लावर्स बनाए हैं और ये देखिए सफेद वाली भी हमारे यहाँ धारियां हैं छः धारियां हमारी ये पहले वाले रंग से हैं एक दो तीन चार पाँच और ये छ अब हम शू का बेस बनाएंगे तो वो कैसे बनाना मैं आपको बताती हूँ हमने पहला फंदा उतार लेना है और ये सारी सलाई अब हम उल्टी बुनाई करेंगे आखिर का एच स्टिच हम सीधा बुनाई करेंगे अब हम ये उल्टी साइड आ गए रॉन्ग साइड रॉन्ग साइड से भी हमने ये पहला फंदा उतार लिया सारी सलाई उल्टी बुनाई करेंगे हम एक और सलाई सीधी साइड से उल्टी बुनाई करेंगे और एक उल्टी साइड से उल्टी बुनाई करेंगे ये टोटल हम चार सलाइया बनाएंगे अब ये देखिए हमने ये चार सलाइया बना ली है और ये हमारी एक दो दो धारियां बन गई है अब हम सुखे अंगूठा और उंगलियों का पार्ट बनाएंगे तो इनको हम फंदों को दो भागों में बांटेंगे ये हमारे सतासी फंदे हैं एट्टी सेवन स्टिचेज तो इसको हम दो भागों में कैसे बांटेंगे एक साइड हम फोर्टी फोर स्टिचेस रखेंगे और एक साइड हमारे आ जाएंगे फोर्टी थ्री स्टिचेज तो हम एक फंदा यहाँ से बढ़ा लेंगे तो मैंने ये मार्कर लगा लिया फोर्टी फोर स्टिचेस तक तो अब ये हम सारी सलाई सीधी साइड से यहां तक उल्टी बुनाई करेंगे पहला फंदा हमने उतार लिया हम मार्कर तक ये सारी सलाई उल्टी बुनाई करेंगे ये देखिए यहां तक हमने 44 फोर बुनाई कर लिए अब यहीं से हम इसको टर्न कर लेंगे और धागे को ये देखिए हमने अपनी तरफ कर लिया आगे की तरफ पहला फंदा उतार के अब हम ये सारी सलाई उल्टी बुनाई कर देंगे आखिर का फंदा हम सीधा बुनाई करेंगे अब फिर हम सीधी साइड आ गए सीधी साइड से हमने पहला फंदा उतार लेना है और ये हमने टोटल जितने फोर्टी फोर फंदे हैं ये अब हम उल्टे बुनाई कर देंगे अब हम सीधी साइड से भी उल्टा बुनाई करेंगे और उल्टी साइड से भी उल्टा ही बुनाई करते जाएंगे इन फोर्टी फोर स्टिचेस को और ये अब हम टोटल सोलह सलाइयाँ बनाएंगे हमने दो सलाइयाँ ऑलरेडी बना ली हैं तो चौदह सलाईयां हम और बनाएंगे ये देखिये यहां जिससे गैप पड़ गया यहीं से हमने इसको टर्न कर लेना है उल्टी साइड की तरफ और पहला फंदा हम उतार लेंगे और ये सारी सलाई अब हम उल्टी बुनाई कर देंगे अब ये हमने शू का एक पार्ट बना लिया है और यहां से देखिए ये दो धारिया हमने पहले बनाई थी तो एक दो तीन चार पांच छ सात आठ ये आठ धारियां हमने और बनाई है और यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल हमारी दस धारिया है अब हम शू को पीछे से बंद करेंगे ये देखिए यहाँ पर हमारा ये कट बन गया अब ये हम रॉन्ग साइड आ गए उल्टी साइड उल्टी साइड से हम शू को बंद करेंगे तो ये देखिए हमने शू को कैसे बंद करना है ये धागे को इस साइड लेकर आएंगे और दो फंदों का देखिए ऐसे एक बनाना है और फिर इस फंदे को हम सलाई पे लेंगे फिर दो फंदों का एक बनाना है और ये हम उल्टा ही देखिए, उल्टी साइड से बंद कर रहे हैं फिर इस फंदे को सलाई पे लेके दो फंदों का एक बनाना है अब ऐसे हम ये सारे फंदों को बंद कर देंगे अब हम यहां से धागे को काट देंगे और इसको पक्का कर देंगे ये ये देखिए हमारा एक पार्ट बन गया अब हम ये इस पार्ट को बुनाई करेंगे तो हम यहां से एक फंदा उठा लेंगे यहां पर हमारे 43 स्टिचेस थे तो यहां से हमने एक फंदा ऐसे उठा लेना है और यहां पर अब हमारे फोर्टी फोर स्टिचेस हो गए ये ऊन को अटैच करेंगे देखिए ऐसे और ये धागे को आगे की तरफ करके ये सारी सलाई अब हम उल्टी बुनाई कर देंगे पीछे करके एक फंदा सीधा बुनाई करेंगे अब ये देखिए हम उल्टी साइड आ गए रॉन्ग साइड तो रॉन्ग साइड से भी हमने ये सारी सलाई उल्टी बुनाई करनी है अब हमने सीधी साइड से भी उल्टा बुनाई करना है और उल्टी साइड से भी उल्टा ही बुनाई करना है और ये आठ धारियाँ बनानी है टोटल सोलह सलाइयाँ बुनाई करनी है अब ये हमारा दूसरा पार्ट भी कंप्लीट हो गया है और ये हमने ऐसे आठ धारियां बना ली हैं और यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी हमारी टोटल दस धारियां हैं अब हम उल्टी साइड से इस शू को भी बंद करेंगे तो हम यहाँ से देखिए दो दो फंदों का एक फंदा बनाते जाएंगे फिर इस फंदे को सलाई पे लेंगे दो फंदों का एक बनाएंगे फिर इस फंदे को सलाई पे लेके दो फंदों का एक बनाएंगे ऐसे ही अब हम ये सारे फंदों को बंद करेंगे ये देखिए ये हमारा शू बनकर तैयार हो गया अब हम इसकी सिलाई करेंगे तो ये देखिए इसको हमने ऐसे या उल्टी साइड हमारी ऊपर की तरफ आ गई अब पहले हम ये वाला सारा पार्ट यहाँ तक सिलाई करेंगे फिर मैं आपको आगे बताती हूँ कैसे सिलाई करना है अब हम ये नीचे वाला पार्ट हम यहां तक इसको सिलाई करेंगे देखिए हमने यहां तक इसको सिलाई कर लिया ये हमारा इतना पार्ट हमने छोड़ दिया अब इसको कैसे सिलाई करेंगे हमने इसको ऐसे फोल्ड कर लेना है ऐसे करके दोनों साइड को हमने ऐसे फोल्ड करके अब हम ये वाला पार्ट यहां तक इसको सिलाई करेंगे एक्स्ट्रा धागा हम अंदर की तरफ कर देंगे अब मैं आपको शू को सीधा करके दिखाती हूँ ऐसे ये खूबसूरत से सॉक्स आप अपने लिए बनाएं। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें धन्यवाद